मैं कह रही हूँ हम दोनों के कपड़े इसमें आ जाएंगे और इसमें जहान का सामान आ जाएगा। और एक है जिज्जी, हम जो पूछने आए कि छोला के साथ पूरी बनाए कि चावल। मैं तो पूरी खाऊंगी, भैया को पूछ लो क्या खाएंगे। हाँ तो हम तुमसे पूछ रहे ना कि भैया आप पूरी खाएंगे कि चावल। भैया छोलों के साथ हमेशा चावल ही खाते ना, तो बोल दो चावल खाएंगे। तो जीरे वाले चावल खाएंगे कि प्लेन चावल खाएंगे। भैया हमेशा जीरे वाले चावल ही खाते, रोहिणी बोल दो जीरे वाले चावल ही खाएंगे। जी आप सुन देना, हमारा काम है। ये क्या हो रहा है? लिसन, तुम्हारी बेबी से कोई बात हुई क्या? तुम कमरे में ही थी ना, कोई बात हुई हमारी? नहीं। तुम्हारे बेबी को तुम्हारी बेबी से कोई बात नहीं करनी। मुझसे तो बात कर लो, बताओगे हुआ क्या है? बेबी तुमने लास्ट टाइम छोले बनाए थे ना, बहुत ही अच्छे बने थे, एग्जैक्टली वैसे ही बनाना। हाँ जीजी। भैया के साथ कुछ हुआ क्या? अरे अच्छो से लो दो भैया ने हमें। अरे हुआ क्या? हमारी इज्जत उधेड़ के रख रही भैया ने। अरे बेबी सिला दिया, उधेड़ दिया, कुछ ठीक ठीक बताओ ना, भैया ने कुछ कहा तुमसे? अरे का बताएं जिज्जी के, भैया ने हमसे काका नहीं कही। क्या क्या नहीं कहा वो भूल जाओ, जो जो कहा वो बताओ। भैया ने हमसे कही? काम ना करने के ना 100 बहाने हैं तुम्हारे पास, काम करने का एक बहाना तो ढूंढ लो। 50,000 काम कराते जिज्जी हम, एक भूल गए बाके लाने, हम पे चिल्ला रहे। अरे इतनी सी बात, वैसे तुम बहाने तो बनाती हो ना, विच इज ओके, इतनी सी बात का इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। इतनी सी बात नहीं है जिज्जी, बात अगर इतना ही खत्म हो जाती तो का बात आती, फिर जानती हो भैया ने हमसे काका ही। जिज्जी ये घर ना तुम्हारे पहले भी चलता था और तुम्हारे बाद भी चलता रहेगा, डू यू गेट इट? तुम पैसे लेती हो, सैलरी लेके काम करती हो, और अगर तुम्हारी काम चोरी के पैसे काटने लगा ना तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। ऐसा कहा ऋषि ने? अरे ये तो कछु नहीं है जिज्जी, आगे उनने हमसे का कही, अगर वो सुनो ना तो तुम्हारी जमीन के नीचे से पैर खिसक जाए। पैरों के नीचे से जमीन होता है। अरे जी का फर्क पड़ते है, गिरने तो दोनों में ही है ना, लेकिन जिज्जी हमने जे नहीं सोची थी कि भैया इतने नीचे गिर जाएं। बोझ तो तुम हो, समझी, यू आर अ बोझ, एक नंबर की आलसी, ढीठ और अड़ियल हो। अगर तुम जैसे 100 और पैदा हो जाएंगे ना तो इंडिया को न्यूक्लियर मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझी, यू ब्लडी इंबेसाइल, एंड डोंट टॉक बैक टू मी। और तो और जिज्जी भी हमको अंग्रेजी में भी गाली दे रहे थे, कछु इंबेसी इंबेसी कर रहे थे। अरे इंबेसाइल गाली नहीं होती बेबी, इंबेसाइल का मतलब होता है मुंह। छोड़ो ना क्या मतलब होता है, हो सकता है कि भैया के दिमाग पे कोई टेंशन हो, स्ट्रेस हो सकता है मूड खराब हो। हाँ, बॉस के सामने तो मुंह नहीं खुलत, लेकिन बेबी के ऊपर चिल्ला लो, कहे कि बेबी तो गाय है ना। अरे बेबी, भैया भी नाइस गाय है, हो जाता है कभी कभी। अब देखो हम लोग सब दिल्ली जा रहे हैं ना, हवा पानी मूड सब चेंज हो जाएगा। हम नहीं जाए दिल्ली जिज्जी। अरे इतनी सी बात के लिए दिल्ली नहीं जाओगी? बात दिल्ली की नहीं है जिज्जी, दिल की है। गजब बेइज्जती हुई है हमारी। बेबी तुम अपनी पैकिंग करो, मैं भैया से बात करती हूँ, सॉरी बोल देंगे। हमें सॉरी और ही नहीं सुननी जिज्जी। तो फिर हम चाहते हैं कि भैया को जो एहसास हो कि भैया ने हमारा दिल दुखाओ है, जब तक उन्हें जो एहसास नहीं हुए ना, दिल्ली जाना कैंसिल हमारा। बेब तुमने बेबी को कितनी खरी खोटी सुना दी, दिल टूट गया बेचारी का। बेचारी नहीं है वो, दुराचारी, अत्याचारी, इनफैक्ट शी इज अ बीमारी। ओह माय गॉड, शी वाज राइट। तुम कैसे बात करने लग गए आजकल? क्या कहा उसने तुमसे? उसने मुझे सब बताया जो तुमने उसे सुनाया। और मैंने क्या क्या सुना वो बताया? नहीं। तो सुनो, बैठो। मिसेज रोहिणी बहल, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड्स और टेल्स। इसमें वो हेड्स है और मैं हूँ टेल्स, पूंछ। और पूंछ को पूछे बिना तुमने अपना ओपिनियन बना लिया। क्या बोल रहे हो? अरे एक्शन उसका था, मेरा तो बस रिएक्शन था। हाँ तो सामान के लिए सर्विस एलिवेटर है ना, इतना टाइम लिफ्ट रोकने का क्या मतलब है? बेबी ये लो भैया। जूते कल से बाहर क्यों पड़े? अरे उतारोगे तब ना अलमारी में रखेंगे भैया हम। अच्छा जे तो हमने सोचा तुम आज पहन के जाओगे। तो नहीं पहने ना, तो रख देती अंदर। अरे आज रखो, कल रखो, चाहे रखो परसों, का फर्क पड़ता है भैया, जब जीना है बरसों। अरे कल पहन जाइयो। फालतू के बहाने बना रही थी, ये तो कुछ भी नहीं। आगे सुनो। तुम तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम बहुत बड़े कामचोर हों, वो तो हम हैं, तो जहाँ घर में काम होते नहीं तो एक पत्ता नहीं हिलेते। ऐसा कहा उसने? वर्ड टू वर्ड, आगे सुनोगी तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एग्जैक्टली, तुम्हें कैसे पता? कामचोर हम नहीं है भैया, कामचोर तुम हो। तुम्हारा सारा काम ना हम करते हैं, झाड़ू पोछा डस्टिंग बर्तन,
तुम ना अपने लाने एक कप चाय तक नहीं बनाते। अरे चाय बनाना तो दूर की बात, तुम तो चाय पीने के बाद जगह पे कप भी नहीं रखा। पूरे घर को बोलना हम धोते हम। इसके बाद तुमने क्या कहा वो मुझे पता है। वैसे वो भी ठीक ही कह रही है। रोहिणी तुम भी उसकी साइड ले रही हो, तुम्हें मैं चाहिए या बेबी? बेबी चाहिए मुझे। What? और तुम्हें और जहान को जब हम दिल्ली जाएंगे तब। और बेबी दिल्ली जाने से मना कर रही है। कल की ना जाती आज ना जाए, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। आई एम सेल्फ रिलायंट, सेल्फ स्टार्टर, सेल्फ सस्टेनेबल, सेल्फ रिस्पेक्टिंग। और जहान उसका क्या, उसकी रूटीन का क्या? वी नीड बेबी इन दिल्ली। मॉम डैड की एनिवर्सरी है, उनके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान करनी है, बहुत काम है। और दिल्ली की पार्टीज ना ना शुरू होने का टाइम होता है कोई, ना ही खत्म होने का टाइम होता है। तुम तो एंजॉय नहीं कर पाओगे पार्टी। क्यों? क्योंकि जहान को टाइमली डिनर कराओगे, फिर उसे सुलाओगे, आई मीन यू बी मिसिंग फ्रॉम द पार्टी। अच्छा मैं पैचअप कर लूंगा बेबी के साथ, इसीलिए नहीं क्योंकि मुझे कोई पार्टी अटेंड करनी है, इसीलिए क्योंकि मैं अपने जहान का शेड्यूल नहीं डिस्टर्ब करना चाहता यार। बट बेबी ना बातचीत से मानने वाली नहीं है। जब तक उसे ये एहसास नहीं होगा कि तुम्हें एहसास हो गया है कि तुमने उसके एहसासों को ठेस पहुंचाई, तब तक वो दिल्ली जाने के लिए मानने वाली नहीं है। एहसास का पता नहीं, मैं एहसान करूंगा उस पर एहसान, क्योंकि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता रोहिणी, मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। फलों से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुका हुआ होता है। एक बार अगर कोई गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे करना होता है। जिनके सर हो इश्क की छांव, पांव के नीचे जन्नत होगी। फोन क्यों निकल दिया चार्जिंग से? अरे 4 मिनट की बात है, अभी लगा दूंगी। क्या कर रही हो तुम? True Hair and Skin Shea Body Butter को हीट कर रही हूँ। हीट कर रही हो? बॉडी पे लगाना है ब्रेड पे? Come on, I thought you were smarter than that. ये देखो, इसका टेक्सचर कितना हार्ड है ना? ये हीटिंग डिवाइस 4 मिनट में बॉडी बटर को लोशन में कन्वर्ट करके ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। और वार्म बॉडी बटर इज बेस्ट फॉर एब्जॉर्प्शन। ओह, हो गया। सी? वाओ, ये तो एकदम क्रीमी हो गया। नाइस। लेकिन रोहिणी, बटर को मॉइस्चराइजर बनाकर लगाने से बेटर है कोई सीधा मॉइस्चराइजर क्यों ना लगा ले, इतना तामझाम क्यों? क्योंकि मॉइस्चराइजर में पानी का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, उससे वो रिजल्ट नहीं मिलता जो ये देता है। ट्रू हेयर एंड स्किन शिया बॉडी बटर गिव्स मी इंस्टेंट हाइड्रेशन और इससे मेरी स्किन हो जाती है सिल्की स्मूथ एंड ग्लोइंग। और तो और, इट टेक्स केयर ऑफ स्ट्रेच मार्क्स आल्सो। इसे पैक कर लो दिल्ली के लिए, क्या दिल्ली की सर्दी में मेरी त्वचा खुश्क हो जाती है? और ये लगाओगे तो तुम्हारी त्वचा खुश्क हो जाएगी। ट्रू, वैसे तुम ना होती तो मेरा क्या होता जाने मन। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बटर लगाने की जरूरत नहीं है, वो मैं ऑलरेडी लगा रही हूँ। वैसे तुम्हारी बेबी से कोई बात हुई? बेबी के लिए प्लान है मेरे पास। तुमने हमसे कछु कही? तुम्हें मीठा बहुत पसंद है ना? आजकल हमें कड़वा पसंद है। वेरी गुड, सारे फ्लेवर्स ट्राई करते रहने चाहिए, तभी तो स्वाद बना रहता है। इनफैक्ट कड़वे के बाद मीठे का मजा दुगना हो जाता है। दुगना हो चाहे चौगना, ये सब तुम हमें काहे बता रहे? क्योंकि मैं तुम्हें अपना ये फेवरेट जैम खिलाना चाहता हूँ, ऑरेंज मार्मलेड, नैनीताल से लाया था, ट्राई करो। देखो ब्रेड लो, टोस्ट करो क्रिस्पी, उस पे लगाओ मस्का। भैया भैया मस्का नहीं लगाओ। ठीक है डायरेक्टली जैम लगा लो, इवन हेल्दियर, मैं बना के देता। हमें माफ करो भैया और हमें हमारा काम कराना। माफी की तो बात ही नहीं है यार, ये पकड़ो। छोटे छोटे घरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है बेबी, देयर इज नो सॉरी बिटवीन फ्रेंड्स एंड वी आर ब्रोस, इट्स ओके। इट इज नॉट ओके भैया, अपना जाम और माफी अपने पास रखो, हमें काम करना दो। ओके ओके, आई विल जस्ट कीप इट हियर just in case you have a change of heart, you wanna try some sweet salted flavors, you can just enjoy relish. kya keh rahe, man kare to jam kha lo, jaise khana hai kha lo, tumhara ghar hai, enjoy. okay acha ab ghar hamao hoga, ho
पहले तो इम्बी कर रहा है हाथी का चू जो का है। चाय मैंने बनाई, मैंने सोचा एक से भले दो कप चाय एंजॉय। अरे बेबी कहीं सुनी बातों पे ध्यान मत दो, बातें तो एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, और नहीं तो क्या। अरे डस्टिंग वस्टिंग छोड़ो, घर तो बंद ही रहेगा, दिल्ली से वापस आके कर लेना सब। ओके दिल्ली दूर है भैया, चल के थोड़ी जाना है, 2 घंटे की फ्लाइट है, 2 चाय ऑर्डर करोगे तब तक पहुंच जाएंगे आराम से। ओके ओके आई विल गेट यू सम कुकीज। या आराम हराम है भैया, हमारे लाने नहीं तुम्हारे लाने दिल्ली में। लिसन मैं क्या सोच रही हूँ, कल जहान को ना थोड़ा जल्दी सुला देंगे, अदरवाइज उसे उठा नहीं जाएगा नेक्स्ट मॉर्निंग। अरे उसे तो मैं ऐसे उठा के ले जाऊंगा एयरपोर्ट। बेबी अजय जी, कल रात को सोने से पहले याद से डस्टबिन वगैरह खाली कर देना, बर्तन धो के जगह पे रख देना, और डिनर में कुछ हल्का फुल्का ही बना लेना। अरे डिनर स्किप करो ना, क्यों तामझाम करने का, हम लोग बिरयानी मंगा लेंगे पेपर प्लेट में खा लेंगे, सिंपल बेस्ट है। अरे जी तुम चिंता नहीं करो, हम सुबह उठ के बर्तन धो दें। अरे सुबह उठ के बर्तन नहीं धोने, सामान धोना है, 7 बजे की फ्लाइट है, 5 बजे निकलना पड़ेगा। अरे वो तो तुम लोग हमको, हम नहीं जा रहे दिल्ली। क्या क्या मतलब नहीं जा रहे दिल्ली? अरे हो गया ना भैया को एहसास, भैया आई मीन ऋषि तुम्हें एहसास हो गया ना? मुझे ये एहसास तो डेफिनेटली है कि हमारी टिकट नॉन रिफंडेबल है, फुल फेयर वेस्ट हो जाएगा, ये नहीं जाएगी तो। वो हमारी प्रॉब्लम नहीं ना। तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तुम खुद एक प्रॉब्लम हो, तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ क्या बढ़ा रहा, तुम मेरे सर पे बैठ के मेरे बाल नोच रही हो, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे नहीं चलती फ्लाइट से। देखो जो मेरे साथ अच्छा है ना उसके साथ में बहुत अच्छा हूँ, वरना मैं बन जाता हूँ राक्षस ऋषि टेलर। तुम हमें धमकी दे रहे हैं भैया? मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ। आगाह तो सलमा हती, तुम हमारे पीछे भी आओ ना, हम तो भी नहीं जाएं दिल्ली। स्टॉप इट स्टॉप इट, चुप चुप। क्या हो गया, ऐसा क्या बोला है भैया ने? हाँ हम तुम्हें बताई नहीं खाती जी, भूल गई। हाँ हाँ भैया ने भी मुझे सब बताया, तुमने क्या क्या बोला था। ठीक है यार, हो गई थोड़ी सी तूतू मैं, अब बस करो आगे बढ़ो, बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? अच्छा ठीक है ना, लेट इट बी काम। क्या लेट इट बी काम डाउन, आई एम काम ओनली। तुम भी ना बेबी के साथ बेबी बन गए हो। भैया ने तुम्हें चाय बनाकर पिलाई, तुम्हें अपना फेवरेट जैम ऑफर किया जिसको वो मुझे हाथ भी नहीं लगाने देते, लेकिन तुम्हें इन चीजों की कोई वैल्यू ही नहीं है। बेबी ये एक तरफा प्यार नहीं है, अगर हमें तुम्हारे जैसी दूसरी बेबी नहीं मिलेगी तो तुम्हें भी हमारे जैसा दूसरा घर नहीं मिलेगा। डोंट फॉरगेट दैट, तुम यहाँ पर टिकी हुई हो हमारी वजह से, और अगर तुमने अभी के अभी जाकर दिल्ली के लिए अपना बैग पैक नहीं किया ना तो मैं बता रही हूँ मैं तुम्हारे बैग्स पैक कर दूंगी हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है जिज्जी, जय तुम्हारी मनसा है ना तो हम अपनों बैग पैक कर लेते हैं दिल्ली जाने के लाने। तो आज मौत को छू गए, टक से वापस आई हो, है ना? गला सूख गया मेरा। पानी पियो पानी पियो। ओह गॉड। अब पापा की पार्टी एंजॉय कर पाएंगे। अब दिल्ली दूर नहीं। फाइनली। हे गाइस। आई होप आज का एपिसोड आप सबको अच्छा लगा हो, एंड स्टे ट्यून क्योंकि अगले हफ्ते हम मिलेंगे रोहिणी की फैमिली से, क्योंकि हम सब जा रहे हैं दिल्ली मम्मी पापा की एनिवर्सरी पार्टी के लिए। And guys, this episode was done in association with True Hair and Skin. एक बार आप जिया body butter use करेंगे, you never go back to moisturizers again. Yep, natural body butters are made of vegetable fats. Hence, the texture is very hard. इसीलिए तो heating device साथ में आता है, वो भी बिल्कुल free. और आज का contest question ये है कि हमारे आज के episode में खाने पीने की कितनी चीजों के नाम लिए गए। And guys, 5 lucky winners will win a gift hamper from True Hair and Skin worth ₹1600. So write your answers in the comments below and all the best for that. Don't forget to like this video, share it, stay tuned for the entire season of the Family Vacation. And this is all of us signing out. Love and peace.